वहीं भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नौतपा में जमकर राजधानी तपती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सबसे गर्म दिन 10 साल में ये पांचवा सबसे गर्म दिन भोपाल में रहा है। ग्वालियर निवाड़ी समेत 18 जिलों में रेड अलर्ट आईएमडी ने जारी किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पृथ्वीपुर सबसे गर्म रहा, 48.5 डिग्री तापमान रहा है। वही 21 जिलों में लू का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से आपको बता रहे हैं, पृथ्वीपुर के बाद दतिया भी सबसे गर्म रहा। दतिया में 48.4 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। साथ ही बिजली मेंटेनेंस के चलते लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है और इसी बीच बिजली कटौती का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है। नौतपा में जमकर इस वक्त भोपाल की जो मध्य प्रदेश की राजधानी तपती हुई नजर आ रही है, और नौतपा के पांचवें दिन भी भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। चार दिन में दूसरी बार टेम्परेचर 45 डिग्री के पार पहुंचा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और 10 साल में पांचवा सबसे गर्म दिन भोपाल रहा है। ग्वालियर निवाड़ी समेत 18 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, और पृथ्वीपुर सबसे गर्म रहा। बता दें कि वहां का तापमान 48.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। 21 जिलों में लू का ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि पृथ्वीपुर के बाद दतिया सबसे गर्म शहर रहा। दतिया में 48.4 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है, और बिजली मेंटेनेंस के चलते भी लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि नौतपा के दिन चल रहे हैं, और इस बीच जमकर भीषण गर्मी पड़ रही है, और नौतपा के पांचवें दिन भी भीषण गर्मी का अलर्ट लगातार जारी किया गया है।